ये जो जीरो ऑयल कुकिंग है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को मन में डाउट आ जाता है, स्पेशली कुछ डॉक्टर्स इसके अगेंस्ट में हैं, तो उनके मन में ये डाउट डाला जाता है, अगर तेल बंद कर दोगे तो हमारे बॉडी में कैसे काम चलेगा, तेल की जरूरत है हमारे बॉडी में, विटामिन कुछ एब्जॉर्ब करने के लिए तेल की, फैट की जरूरत है, वो कहाँ से आएगा। तो मैं इसके लिए आपको एक बात बता दूं, हमारे गॉड ने, हमारे नेचर ने ऑलरेडी हर खाने के अंदर थोड़ी थोड़ी तेल डाल के रखी है, बाहर से तेल डालने की कोई जरूरत नहीं है। रोटी में 1% तेल है, चावल में 5%, 1% तेल है, दाल में 5% तेल है, हर सब्जी में, हर फ्रूट्स में, हर अनाज में थोड़ा थोड़ा तेल है। हमारे बॉडी की जितनी तेल की जरूरत है, फैट की जरूरत है, उससे मिल जाती है, उसको बाहर से तेल डालने की कोई जरूरत नहीं। आप सोच के देखिए, ये जो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस है, ये कौन सा ब्रांड का तेल खाता होगा? ये लोग बिना तेल के जिंदा है, हम तेल खा खा के मर रहे हैं, और जब से ये तेल की फैक्ट्री आई, हम मरने लगे हैं। ये सोच के देखिए, गॉड ने क्या हम लोग को बनाने से पहले तेल की फैक्ट्रियां लगा दी थी क्या, कि नहीं, बिना तेल के फैक्ट्री के लोग मर जाएंगे? याद रखिएगा, तेल खा के लोग जितने मर रहे हैं, बिना खा के कुछ नहीं फर्क पड़ना। हमारे बॉडी में जितनी जरूरत है तेल का, ऑटोमेटिक हर खाने के अंदर से आ जाता है। इनफैक्ट हमारी एक एमएससी रिसर्च थीसिस हुई है सावल में, जहाँ पे हमने ये दिखाया कि जो इनविजिबल ऑयल है हर खाने के अंदर, वो हमारी बॉडी की जो 10% कैलोरी फैट से आता है, वो फिर भी मिल जाता है वहां से, तो अलग से फैट डालने का कोई जरूरत नहीं। और ये जीरो ऑयल आदमी जिंदगी भर फॉलो कर सकता है। हाँ, बच्चों को जो 18 साल से कम है, उनको आप तेल दे सकते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ की पीरियड है, पर जो लोग ग्रो कर चुके हैं, ओवर ग्रो कर चुके हैं, मोटे हो गए हैं, उनको तो तेल देने का कोई मतलब नहीं है। और तेल बंद करने के इतने फायदे मैं आपको बता नहीं सकता। इससे डायबिटीज कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, हार्ट की बीमारी रुक जाती है, रिवर्स होती है। तेल बंद करने से बहुत सारे और फायदे होते हैं, जो आपको करने के बाद ही पता चलेगा। तो जीरो ऑयल, कोई भी एडल्ट आदमी, चाहे हार्ट की बीमारी हो या ना हो, स्पेशली अगर वो ओवरवेट हो, या उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्ट की बीमारी है, उनको जीरो ऑयल करना कंपलसरी है। और ऑयल से ट्राइग्लिसराइड कम होती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होता है मीट के अंदर, चिकन के अंदर, फिश के अंदर, अंडे के अंदर। कोलेस्ट्रॉल दूध में होता है और दूध से बने हुए सारे आइटम्स में होते हैं, पर ट्राइग्लिसराइड अलग चीज है, कोलेस्ट्रॉल अलग चीज है। याद रखिएगा, कोई भी प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है, सिर्फ एनिमल फूड में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का सोर्स हमारे बॉडी में एक और है, लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनती है हमारे, तो इसलिए बाहर से बहुत ज्यादा सप्लाई की जरूरत नहीं है। तो मैं हार्ट के पेशेंट को, हम लोग बोलते हैं सारे दूध के सामान बंद कर दो, दूध को कम से कम में ले आओ, और उसके संग मीट और सारे नॉन वेज प्रोडक्ट बंद करो, तो कोलेस्ट्रॉल भी हट गई, तेल भी हट गई, और इनफैक्ट बिना तेल के सब्जियों में टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लग जाती है। आप जब फ्राइड कम खाओगे, बंद कर दोगे, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आप बिना ऑयल का खाना जरूर खाइए। कोई भी आपको कुछ समझाए, आपकी लॉजिक आपके पास होनी चाहिए कि भाई हमारे बॉडी में, अच्छा देखिए, जब जरूरत था तब हम लोग खाते थे। आज से 50 साल पहले, एक गांव से दूसरे गांव आदमी पैदल चला जाता था, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर आ जाता था, उस वक्त मेहनत करते थे तो तेल पचा भी जाते थे। अब हमने मेहनत करना सारा बंद कर दिया। एक आदमी सुबह उठ के बेट्टी पीता है, नाश्ता वास्ता करता है, अखबार पढ़ता है, फिर ऑफिस जाता है तो गाड़ी में जाता है, ऑफिस में सारा दिन बैठा रहता है, आते वक्त फिर गाड़ी में आता है, और घर पे बैठ के नाश्ता करता है, फिर खाना खाता है, कोई मेहनत नहीं करता है, तो वो जो तेल खाएगा वो तो जमेगा ही। हाँ, आप 10-20 किलोमीटर चलते हो तो थोड़ा बहुत तेल खा भी लोगे, तो भी जाया जाए, पर याद रखिए, हमारी मेहनत खत्म हो गई है, उसके संग तेल भी खत्म हो जाए, तब हम ये बड़े बड़े बीमारियों से बच सकते हैं। तो प्लीज जीरो ऑयल को फॉलो कीजिए, इसमें डाउट रखने की कोई जरूरत नहीं है। जीरो ऑयल के ऊपर कोई भी लॉजिक अगेंस्ट में बताता है, तो उसको हमसे बात करने बोलिए, क्योंकि मेरे को लगता है ये जिनको नॉलेज नहीं है, वो लोग कमेंट कर देते हैं इस तरह की, जिनके पास क्लियर कट नॉलेज है, वो समझते हैं कि ये जीरो ऑयल बहुत काम है, और जो इसको फॉलो करता है वो समझ जाता है इसकी कितनी पावरफुल रिजल्ट आती है। तो आप प्लीज फॉलो करिए, जीरो ऑयल खाना बनाइए, और जीरो ऑयल पे पूरे परिवार को डालिए, हर की वजन कम होगी, हर कोई इम्प्रूव करेगा।